हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोरसी गार्डनिंग प्लांट में। फ्रेंड, आप सब तो जानते हैं कि ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और अपने गार्डन में रंग बिरंगे फूलों को लगाने का समय अब आ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि ठंड का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें सभी फ्लावर वाले पौधे बहुत ही रंग बिरंगे आपके घरों में एकदम दिखते हैं। दोस्तों, ऐसे में हम बहुत सारे पौधे को अपने घर में लगा तो लेते हैं दोस्तों, लेकिन एक आध महीने बाद वो ख़राब होके पूरी झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी ही ठंड के मौसम में लगाने वाले एक अनोखे पौधे के बारे में आज हम बताने वाले हैं, जिसको ठंड के मौसम में लगाइए आपके घर की सुंदरता को डबल करने वाला ये पौधा जिनिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर के शुरू में ही इस पौधे को लगाया जाता है। कई लोग तो इसको सितंबर में भी लगा लेते हैं जो कि अक्टूबर से खिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि जिनिया का पौधा रंग बिरंगे फूलों के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें इसमें टोटल 10 कलर आती हैं दोस्तों, लेकिन इसका ये जो पिंक वाला कलर है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। दोस्तों, ये जिनिया का फ्लावर को आप गमले में या फिर ज़मीन में कहीं भी लगा के इसकी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें फ्लावरिंग अक्टूबर से ले कर मई जून तक होते रहती है। बस दोस्तों, जब इसके फ्लावर खिल जाएं तो उन फ्लावर को कटिंग करके हटा दीजिए ताकि नई कलियां आने में उसको परेशानी ना हो, और आप इसके फूल को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इसके एक पौधे में कम से कम 200 से 250 फ्लावर आते हैं। जब पौधा थोड़ा पुराना हो जाता है दोस्तों, तो इसमें पत्तियों से ज़्यादा फ्लावरिंग आती है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। दोस्तों इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो यह एक सीजनेबल पौधा के तौर पे है, तो इसकी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पौधा ठंड के मौसम से ही अपनी आहार को ऑब्जॉर्ब करके और एकदम घना बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कई कई बार होता क्या है कि नेचुरली ये घने और ग्रोथ नहीं हो पाते। इनको ग्रोथ में लाने के लिए हमको कुछ फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं जो कि आप DAP, जो कि दाने वाले ग्रोमर के नाम से भी जाने जाते हैं, आपके नज़दीकी कृषि केंद्रों में उपलब्ध हो जाएंगी। आप उस DAP के 6-7 दानों को इसके पौधे के जड़ से थोड़े से साइड में डाल दे दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपका जिनिया का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल पीला पड़ चुका है, तो फ्रेंड उस DAP के 5-6 दानों से इसमें इतनी ज़्यादा हरियाली आ जाएंगी कि देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने बहुत सारी जिनियाई की वेराइटी लगाई है।